इस वक्त की बड़ी खबर आगरा के कागरौल से सामने आ रही। दरअसल यहां पर सेना का विमान हुआ क्रैश, जमीन पर गिरते ही लगी आग। पायलट सहित दो लोगों ने बचाई कूद कर जान। विमान से 2 किलोमीटर दूर गिरे पायलट और उसका साथी। कागरौल के गांव सोनागिर गांव के पास खाली खेतों में गिरना बताया जा रहा है। विमान हादसे में पायलट के हताहत होने की सूचना प्राप्त हो रही है। बता दें कि यहां एक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सेना का विमान क्रैश हो गया, जमीन पर गिरते ही इसमें आग लग गई। पायलट सहित दो लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। यह हादसा कागरौल के गांव सोनागिर गांव में होना बताया जा रहा है, जहां पर खाली खेतों में एक विमान सेना का गिर गया और विमान गिरते ही इसमें आग लग गई। बता दें कि यहां विमान हादसे में पायलट के हताहत होने की सूचना प्राप्त हो रही है। सेना का विमान क्रैश हो गया और इस विमान के क्रैश होते ही इसमें आग लग गई। खाली खेतों में ये विमान गिरा है और इस खबर में अब तक सूचना प्राप्त हो रही है कि पायलट के हताहत होने की सूचना है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए राकेश कनौजिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, क्या कुछ जानकारी इसमें अब तक मिल रही है, क्या अपडेट है इसमें खबर में? जी राकेश, तो बता दें कि सेना का विमान आगरा के कागरौल के गांव सोनागिर में खाली खेतों में गिर गया। इस विमान के क्रैश होने से जैसे ही वो विमान क्रैश हुआ, जमीन पर गिरा और उसमें आग लग गई। बता दें कि इस हादसे में पायलट सहित दो लोगों ने अपनी जान कूद कर बचाई। विमान से 2 किलोमीटर दूर गिरे पायलट और उसका साथी। कागरौल के गांव सोनागिर गांव के पास खाली खेत में ये गिरना बताया जा रहा है। यह हादसा कागरौल के गांव सोनागिर में हुआ है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया है। जैसे ही विमान गिरा, लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। खाली खेतों में गिरना बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एक बार फिर राकेश कनौजिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, क्या कुछ अपडेट अब तक मिल रहा है यहाँ पर? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि आगरा एयरफोर्स का ये फाइटर प्लेन था जी, जिसने उड़ान भरी थी और अचानक फाइटर प्लेन में आग लग जाती है। फाइटर प्लेन में आग लगती है और फाइटर प्लेन थाना कागरौल जो कस्बा है, कागरौल कस्बा के सोनिया एक गांव है, सोनिया गांव के खेतों में जाकर फाइटर प्लेन गिरता है और इसमें दो पायलट मौजूद थे और दोनों पायलट ऐसा भी सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इसके अलावा वायुसेना की पुलिस भी पहुंच गई है और सेना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। जैसे ही विमान वहां पर फाइटर प्लेन गिरता है और जोर का धमाका होता है, आसपास के लोग दहशत में आ जाते हैं और अपने घरों से बाहर निकल कर आ जाते हैं। फाइटर प्लेन में आग लग जाती है और अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन जाता है और जो उसका ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स को कब्जे में लिया जा रहा है, जिससे इस बात का पता चल सके आखिर फाइटर प्लेन हादसे का कैसे शिकार हुआ, किन कारणों से फाइटर प्लेन के अंदर आग लगी है। जांच की जा रही है, मौके पर सेना के अधिकारी, वायुसेना अधिकारी मौके पर मौजूद है और इलाके की थाना कागरौल पुलिस भी पहुंच गई है। खुद पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सबसे बड़ी बात अंजलि ये रही कि जो आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र में जो फाइटर प्लेन था वो गिरा नहीं है। यदि आबादी क्षेत्र में जो फाइटर प्लेन गिरता, क्योंकि जो जो पायलट होते हैं उनको इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि जो यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाए तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए केवल इस बात को देखना है कि जो प्लेन है वो आबादी क्षेत्र में न गिरे, आबादी को इसका नुकसान न हो। और यही वजह है कि जो खेत में गिरा इससे आबादी क्षेत्र प्रभावित नहीं हुई है। बड़ा हादसा आगरा के अंदर है, फाइटर प्लेन गिरा है और कारणों की जांच के लिए उसका ब्लैक बॉक्स है उसको कब्जे में लिया जा रहा है, इससे इस बात का पता चल सके। इस हादसे में पायलट के हताहत होने की सूचना प्राप्त हो रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए अभी ऐसी जानकारी मिली है, पूरा कन्फर्म तौर पर नहीं कह सकता कि एक पायलट उसमें शहीद हुआ है, ऐसी जानकारी, लेकिन अभी पूरी तौर पर नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि सेना जो वायु सेना है उसने अपने क्षेत्र को पूरे कब्जे में
ले रखा है और किसी भी व्यक्ति को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जब उसके बाद अंदर जाएगी तब मालूम पड़ पाएगा कि आखिर क्या कुछ है। सेना के लोग बताएंगे कि इसमें कितना क्या नुकसान हुआ है और पायलट सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, ये बात सेना वायुसेना के अधिकारी कुछ देर बाद बताने वाले हैं। जी राकेश, इस विमान में कितने लोग थे? देखिए जैसा कि मालूम पड़ा है कि इसमें दो पायलट थे, क्योंकि फाइटर प्लेन होता है, फाइटर प्लेन के अंदर यदि एक ही पायलट होता है या फिर दो पायलट उसके अंदर होते हैं, और क्योंकि फाइटर प्लेन है उसमें ज्यादा स्पेस नहीं होता और अभी कोई तौर पे कहा नहीं जा सकता कि इसके अंदर कितने पायलट थे, तो इसके अंदर क्रू मेंबर साथ में नहीं रहते हैं और केवल पायलट के अंदर मौजूद होते हैं। और हादसा बेहद बड़ा हादसा है और इस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर बना हुआ है और अधिकारी जांच पड़ताल में अंजलि जुटे हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का ये फाइटर तमाम वैसे विमान भी आगरा के अंदर गिरे हैं, लेकिन फाइटर प्लेन का गिरना बड़ी घटना है और जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी मामले को संज्ञान में लिया है और रक्षा मंत्री भी संपर्क में है और आखिर कैसे ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि सेना का विमान क्रैश हो गया है और जमीन पर गिरते ही इस विमान में आग लगे। बता दें कि इस हादसे में पायलट सहित दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई और फिलहाल विमान हादसे में पायलट के हताहत होने की सूचना प्राप्त हो रही है। कागरौल के गांव सोनेगा के पास ये खाली खेतों में विमान गिरा। गनीमत ये रही कि आबादी क्षेत्र में ये विमान नहीं गिरा, क्योंकि बड़ा हादसा तब हो सकता था। यहां पर ये खाली खेतों में विमान गिरा है, ये विमान जैसे ही गिरा उसमें आग लग गई और पायलट सहित दो लोगों ने कूद कर अपनी यहाँ पर जान बचाई।